5 जुलाई यानी कल स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है, जिसको लेकर के पारस गुट और चिराग गुट के द्वारा पटना में पोस्टर वॉर अब दिखने लगा है। लेकिन इस पोस्टर वॉर की एक खास बात आपको हम बता रहे हैं कि दोनों गुट ये दावा करती है कि एक गुट कहता है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस है, तो वहीं दूसरी गुट कहता है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। अब पटना में जो पोस्टर्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, उस पोस्टर में पारस गुट के जो पोस्टर्स हैं उसमें देखिए सिर्फ पशुपति कुमार पारस के तस्वीर आपको नजर आएगी, इसमें चिराग पासवान की फोटो आपको नहीं दिखेगी। जबकि जो चिराग पासवान के द्वारा जो पोस्टर लगवाया गया है, जो चिराग गुट के लोगों ने लगाया है, इसमें चिराग पासवान की तस्वीर आपको नजर आएगी। जबकि पशुपति कुमार पारस जो हाजीपुर से सांसद हैं और चिराग के चाचा हैं, वो इससे गायब हैं। अब आपको बता दें कि कल राजधानी पटना में पारस गुट के लोगों के द्वारा उनकी जयंती मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान हाजीपुर से, जो पशुपति कुमार पारस का संसदीय क्षेत्र पड़ता है, वहां से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। देखिए, ये पटना का इनकम टैक्स गोलंबर है, और हम सिर्फ इनकम टैक्स गोलंबर की बात आपको नहीं बता रहे हैं, हम पूरी पटना की तस्वीरें आपको दिखा पूरी पटना की बात बता रहे हैं कि आप पटना के कोई भी चौराहों पर चल जाइए, इस वक्त आपको पारस गुट और चिराग गुट का पोस्टर लगातार नजर आएगा। पूरे शहर में जगह जगह दोनों गुटों के समर्थक अपने अपने नेता के समर्थन में पोस्टर लगा करके रखा गया है, और आशीर्वाद यात्रा जब कल निकाली जाएगी चिराग पासवान के तरफ से, तो ये तमाम तस्वीरें निकल के आ रही है। चिराग गुट के पोस्टर में चाचा गायब हैं, तो पारस गुट के पोस्टर में भतीजा नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, पारस गुट के समर्थकों ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें चिराग पासवान का चित्र गायब है, जबकि चिराग पासवान के समर्थकों द्वारा लगाए गए पोस्टरों में हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस की तस्वीरें नहीं हैं। इस तरह पोस्टर वॉर के जरिए लोजपा के दोनों गुटों के कार्यकर्ता आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। पारस गुट के द्वारा लगाए गए पोस्टर में स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पटना में मनाने की अपील की जा रही है, और लोगों से बड़ी संख्या में उनकी जयंती में शामिल होने का आह्वान किया गया है। वहीं दूसरी ओर चिराग गुट के समर्थकों ने पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती के अवसर पर शुरू किए जा रहे आशीर्वाद यात्रा को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन सहयोग की अपील की गई है। ऐसे में लोजपा के दोनों गुटों के कार्यकर्ता का अपना अपना दलील है। एक तरफ जहां पारस गुट के समर्थकों का दलील है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हैं, ऐसे में चिराग पासवान को अपनी चाचा की बात मान लेनी चाहिए थी। हालांकि देखिए, जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, वो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की है, और यहां पर चारों तरफ आपको पारस गुट और चिराग गुट का पोस्टर नजर आएगा। अब देखना होगा कि कल 5 जुलाई को जब आशीर्वाद यात्रा चिराग गुट के लोग और चिराग पासवान हाजीपुर, जो पारस का संसदीय क्षेत्र है, वहां से निकाली जा रही है, तो कितना जन समर्थन वहां चिराग पासवान को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जब पारस गुट के लोगों के द्वारा 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती राजधानी पटना में मनाई जा रही है, तो वहां कितना जन समर्थन पारस समर्थकों को मिलता है। ये पटना का इनकम टैक्स गोलंबर था, और यहाँ चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाइएगा तो आपको पारस गुट और चिराग गुट का पोस्टर मिलेगा। फिलहाल अब कल देखना होगा ये कि किसको ज़्यादा जन समर्थन मिलता है। अब फिलहाल के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।